दोस्तों आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट X350 BS6 को। इस बाइक में कंपनी ने कितने बदलाव किए हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें दो मॉडल आते हैं, जिसमें ये सेल्फ स्टार्ट वाला है। इसमें आप इस बाइक को किक स्टार्ट में भी खरीद सकते हैं, और अगर आप जैसे रॉयल एनफील्ड कंपनी की बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये आपको कम कीमत में मिलेगी। दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस, माइलेज, ये सारी चीजें बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल और डिजाइन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किए हैं। जैसे आ रही थी बाइक वैसे ही आ रही है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, आपको ब्लैक मडगार्ड यहां पर पूरा ब्लैक रहेगा, और यहां पर आप देखेंगे तो ये रेड कलर का आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा। बाकी आपको पूरा ब्लैक कलर की ही सारी चीजें इस बाइक में मिलने वाली है। दोस्तों 350 सीसी के इंजन के साथ आती है, और इसमें जो बदलाव हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये जैसे कि ये साइलेंसर है, और इसमें ये नया कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है जिसके ऊपर कवर लगाई गई है। अब इसमें कुछ बाइकें ऐसी आती है जिसमें आपको ब्लैक कलर का ही साइलेंसर मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्रोम कलर का साइलेंसर मिलता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन सेंसर भी मिलता है। दोस्तों तो ये इसमें चेंज कर दिया गया। बाकी यहां पर आप देखेंगे तो पहले इसमें कार्बोरेटेड सिस्टम आता था, लेकिन अब आपको इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ रहा है, जिससे आपने क्लासिक 350 देखी थी उसको जिस प्रकार से कवर किया गया है उसी प्रकार से इसमें भी वही कवर इसमें लगाई गई है। तो ये इसमें अंतर दिया गया कि पहले ये कार्बोरेटर मॉडल में आती थी, लेकिन अब आपको इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा, जिससे ये बाइक प्रदूषण कम करेगी, साथ में आपको माइलेज भी ज्यादा देगी, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। दोस्तों और यहां पर आप देखेंगे ये साइलेंसर इसका चेंज कर दिया गया है, और यहां पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। बाकी ये कम कीमत वाली है, इसलिए इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं। आप इसमें कंपनी से ही खरीद के एलॉय व्हील लगवा सकते हैं, ये सारी चीजें आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो आप लेग गार्ड, इंजन गार्ड देख रहे हैं, ये चीज इन्होंने लगाई हुई है, इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये लेग गार्ड कंपनी के साथ नहीं आता है। अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि आप यहां पर देखेंगे तो ये बुलेट 350 है एक्स मॉडल, और यहां पर आप देखेंगे तो ये क्लासिक 350 है, यहां पर लिखा हुआ है क्लासिक। और अब मैं आपको राइट साइड से दिखा रहा हूं इस बाइक को, और आप लोग बताएं कि आपको बाइक कैसी लगी है। ये 350 एक्स है और ये क्लासिक 350 है, और मैं आपको इसको लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि बाइक कैसी लग रही है। और BS6 में इससे ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। 350 सीसी का इंजन है, 19.1 BHP की पावर है, 28 न्यूटन मीटर की टॉर्क दी गई है इसमें, ब्लैक कलर का इंजन है। तो पावर में 0.7 का अंतर आया है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसी बाइक चल रही थी उससे बेहतर ही चलेगी, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है, तो बाइक पहले से ज्यादा स्मूथ चलेगी, माइलेज आपको ज्यादा देगी। मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको पीछे से डिजाइन दिखा दूं, यहां पर आप देखेंगे रिफ्लेक्टर, ये बैकलाइट, इंडिकेटर वही रेगुलर वाले ही इसमें दिए गए हैं। और टायर इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, सीएट कंपनी का टायर लगा हुआ है, 325/19 का इसमें आपको टायर मिलता है। सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और मैं इसको स्टार्ट कर दूं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे इसमें पायलट हेडलैम्प ऑन हो चुका है, और मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं फिर से इसको स्टार्ट करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। और वाइब्रेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें कंपनी ने जो बदलाव किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बता दिया मैंने, और मैं इसकी प्राइस आपको बताना चाहूंगा, ये प्रिंस भाई बताएंगे, और ये शोरूम पर मिलेंगे। जो लोग कमेंट करते हैं वो इनसे आकर सीधा मिल लिया करें, जो भी डिस्काउंट होगा आप दे देंगे। बताइए तो भाई इसकी प्राइस क्या है जो 350 एक्स मॉडल है? रॉयल एनफील्ड बुलेट एक्स 350 CS भाई में, ये रीगल रेड कलर है, इसका 1,37,194 रूपए आने, 1,37,494 1,37,194 रूपए एक शोरूम प्राइस है। हाँ, और ये लेग गार्ड के पैसे अलग से लगवाना पड़ेगा, 2300 रूपये का ये लेग गार्ड अलग से, 2300 रूपये का है। और ये जो एलॉय व्हील ओलॉय व्हील आएंगे ये सारी चीजें अलग से लगवानी पड़ेंगी, इसमें आप अलग से लगवा सकते हैं। और जो इनका किक स्टार्ट मॉडल है BS6 में वो लगभग कितने का होगा? इसका किक स्टार्ट मॉडल जो बेस मॉडल जो स्टार्ट होता है बुलेट एक्स KS, हाँ हाँ, इसका एक शोरूम प्राइस है 1,21,583 रूपए इसका एक शोरूम प्राइस है। तो सबसे कम कीमत में वही बाइक आप मिल पाएगी। तो और बाकी माइलेज कंपनी ने कुछ बताई है इस BS6 की? माइलेज सर आएगा 40+ माइलेज, 40+ माइलेज, 40-50 हो सकता है कि नहीं?
अब 40 प्लस ही हमारे जो कस्टमर आते हैं सर्विस सेंटर में, वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी सर्विस रिगार्डिंग जो आते हैं, बताता है 40 प्लस दे रही है, 45 दे रही है, किसी की 50-55 दे रही है, कस्टमर का फीडबैक रहता है। तो दोस्तों आपने सुना कि इसकी लगभग माइलेज 40 प्लस हो सकती है, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है। आप जिस प्रकार से चलाएंगे उस प्रकार से ये बाइक आपको माइलेज देगी। और अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पहले इसमें पेट्रोल बंद करने का सिस्टम होता था, पेट्रोल टी हुआ करती थी, बट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगने की वजह से जो पेट्रोल टी है वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। अब आपको पेट्रोल बंद करना नहीं होगा, और जैसे कि कभी आपने सुना होगा ओवरफ्लो होती थी बाइक के, तो वो सारी चीजें अब इस बाइक में बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बाइक चेंज हो चुकी है। और भैया प्राइस इसकी लगभग कितनी बढ़ी हुई है, लगभग पहले से और अब में लगभग कितने का अंतर है? प्रिंस भाई यहाँ पर जोड़ लें जरा, जो आपने अभी वीडियो दिखाई है। हाँ, क्लासिक सिग्नल नहीं, उससे नहीं कह रहा हूँ मैं, इसी मॉडल में जो इसका BS4 मॉडल आता था, उसकी लगभग, उससे और इसमें कितना अंतर आया भाई? लगभग बता दो, कोई जरूरी नहीं है कि लगभग 10,000 का दोस्तों इसमें अंतर आया है, जो इसके BS4 मॉडल से और इसमें। तो पहले से ये और ज्यादा बेटर हो चुकी है। मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों। यहाँ पर अभी अंधेरा है क्योंकि शोरूम बंद हो रहा है और काफी रात हो चुकी है। अगर आपको कुछ चीजें न समझ में आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।